अगर आप हांगकांग जैसे एयरपोर्ट में आ रहे हो तो आपको खाना ज़रूर लेके आना पड़ेगा। एयरपोर्ट पूरा खाली। अभी मैं थोड़ा कुछ खा लेता हूँ एंड लगेज में थोड़ा कुछ अलाउड था तो फिर अच्छा हो गया। पानी का बोतल तो ये लोग फेंक दिया यार, पानी तो अभी पता नहीं कहाँ से मिलेगा मुझे। मम्मी ने बोला, पापा ने बोला तो अच्छा हो गया, थोड़ा कुछ लेके आ गया मैं। पर यूजली मैं सब कुछ कैरी तो करता नहीं हूँ और पहले बार इतना लॉन्ग ट्रैवल कर रहा हूँ। इधर ना मास्क पहनने की जरूरत नहीं है, पता है क्यों? लोग ही नहीं है इधर, तो कोविड कैसे आएगा? कोविड का डर ही नहीं है। लोग रहेगा जिधर, लोग रहेगा वहाँ पे मास्क पहनेंगे, वहाँ पे डर रहेगा, वहाँ पे कोविड रहेगा, लोग ही नहीं है। मेरे को अभी याद आ गया कि मैं जो एयरवेज में आ गया, कहते हैं पैसिफिक, मैं लिटरली मेरे दोस्त लोग को बोला था जो ऑलरेडी यूएस में सब है, तो मैं उनको बोला मैं कहते हैं पैसिफिक एयरलाइंस आ रहा हूँ, ये मेरा भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो लिटरली मैं बोला, मैं ये इतना लाइक बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा कि मैं ये एयरलाइन से ट्रैवल करके आया, इसलिए बोल रहा हूँ जो मेरे दोस्त लोग बोला मैं वही बोल रहा हूँ आपको। वो लोग ने बोला कि दो एयरलाइंस, वो लोग का इतना वो लोग ट्रैवल के दो एयरलाइंस, एमिरेट्स हो गया, सेकेंड इज कहते हैं पैसिफिक। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है और बहुत अच्छा खाना मिलता है। सो कहते हैं पैसिफिक का मैं आपको बताता हूँ रिव्यू। तो मैं लिटरली अंदर गया, बहुत अच्छे से ग्रीट किया, वेलकम किए, ठीक है। टेक ऑफ होने के बाद मेरे को सबसे बेस्ट तो उनका वो क्या बोलते हैं टीवी, ऑलमोस्ट सब लेटेस्ट मूवीज़ था, एवेंजर्स वगैरह बहुत कुछ, स्पाइडरमैन होम कमिंग, ऐसा सब बहुत मूवीज़ था वहाँ पे, गेम्स था, आपको लिटरली लोकेशन दिखता है आपको आपका फ्लाइट कहाँ पे। सबसे बेस्ट तो मेरे को तो वो कैमरा लगा जो नीचे वाला रेयर टायर जो भी टायर के पीछे था, बहुत अच्छा था वो चीज़। तो फुल व्यू मिला मेरे को, तो लिटरली विंडो सीट चाहिए था पर मेरे को विंडो सीट मिला नहीं, तो मैं आई वाज लाइक अरे यार विंडो सीट नहीं मिला। हमेशा मैं लाइक ट्रैवल किया तो मैं विंडो सीट ही प्रेफर करता हूँ, बट वो जो कैमरा था उसके वजह से मेरे को इतना फील नहीं हुआ कि ओके विंडो सीट नहीं है तो भी चलेगा, ऐसा हो गया था लिटरली। तो टेक ऑफ होने का एक 30 मिनट्स के बाद फूड आ गया, तो बहुत ऑप्शन उनके पास, वेज तो था ही, नॉन वेज में उनके पास चिकन का ऑप्शन था, मटन ऑप्शन था, लैम्ब था, तो मैं लैम्ब नहीं खाता तो मैं चिकन का ऑप्शन लिया। तो चिकन में मेरे को एग फ्राइड राइस मिला, सम वेजिटेबल्स लाइक कैरेट ब्रोकरी था, एंड थाई चिकन करी जैसे कुछ तो था, शेजवान जैसे कुछ समथिंग वॉज था, बहुत टेस्टी था वो। देन एक चीज़ केक मिला, स्प्राउट्स मिला, अ बॉटल ऑफ वाटर एंड ब्रेड विथ बटर, दैट्स इट, उतना मिला तो इट वॉज सफिशियंट फॉर वन पर्सन। एंड आफ्टर दैट लाइक कोल्ड ड्रिंक्स में मैंने जूस और कोल्ड ड्रिंक का ऑप्शन था, तो मैंने कोल्ड ड्रिंक पिया। सो एंड द फ्लाइट वॉज क्वाइट कम्फर्टेबल, बहुत अच्छा फ्लाइट था, स्पेशियस था, मेरे को तो अच्छा लगा। और फिर वॉशरूम में भी गया तो इट वॉज वेरी क्लीन टाइडी। सो ओवरऑल कहते हैं पैसिफिक का एक्सपीरियंस मेरे को बहुत अच्छा लगा। यहाँ से सिडनी जाने के टाइम भी कहते हैं पैसिफिक एयरलाइंस ही है, तो वो अच्छा हो जाता है, तो देखते अभी 9 आवर्स सिडनी के लिए कैसा रहेगा एक्सपीरियंस, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड एंड इफ अगेन आई एम टेलिंग इफ यू न्यू टू द चैनल मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन। या सो गाइस अभी थोड़ा हांगकांग एयरपोर्ट एक्सप्लोर करते हैं और आपको बताता हूँ कि एक्सपीरियंस रात को हांगकांग एयरपोर्ट में कैसा होता है, ठीक है। सो लेट्स गो। मैं यहाँ पे लॉन्च में, यहाँ पे लॉन्च में भी कोई नहीं लग रहा, कितना एम्प्टी है भाई, कोई तो हो इधर, कोई है कि नहीं यहाँ पे, लिटरली नो वन यार। वैसे अभी मेरे को यहाँ पे एक वाटर जोन मिला है, यहाँ पे देखो गर्म पानी तो मिलने वाला है, यहाँ पे गर्म पानी है तो
जल्दी मैं नूडल्स बनाता हूँ। कप नूडल्स अच्छा है, कप नूडल्स लेके आया मैं। यहाँ पे फूड कोर्ट था देखो, यहाँ पे ये साइड में फूड कोर्ट था, सब बंद है यार। ऐसा सब डिस्प्ले करके और भूख लग रहा है मेरे को। एयरपोर्ट पूरा खाली, कोई है ही नहीं भाई। क्या करेंगे और 8 घंटा यार, क्या करें। अगर आप हांगकांग जैसे एयरपोर्ट में आ रहे हो तो आपको खाना ज़रूर लेके आना पड़ेगा। अच्छा हो गया यार मैं कप नूडल्स लेके आया, अभी ये बनाना पड़ेगा। गाइस अभी एक क्विक अपडेट है, अभी बज गया 3:30 हांगकांग टाइम, इधर का 9 बजे मेरा सिडनी के लिए फ्लाइट है और 6 घंटा है। बस एक जगह पे बैठा हूँ, चार्ज किया फोन, अभी थोड़ा नींद है तो फिर थोड़ा टाइम में सो जाऊंगा बस। और कुछ ऐसा कुछ खास दिखाने लायक तो कुछ है नहीं। इधर एक वाटर सेक्शन है पानी पानी पीने के लिए, यहाँ पे गर्म पानी सब मिलता है, तो काफ़ी काफ़ी हेल्पफुल था वो। सो मिलते हैं आपको थोड़ा टाइम। अभी यहाँ पे एक फूड मेन्यू दिया था, वहाँ पे आपको ब्रेकफास्ट ऑप्शंस, डिनर ऑप्शंस और जो भी ड्रिंक्स आपको चाहिए वो आपको प्रोवाइड करेगा। सो वी नीड टू चूज एनीथिंग फ्रॉम द मेन्यू। सो गाइज दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, और अगर आप चैनल में नहीं हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। ये हेयर कट सब इग्नोर कर देना क्योंकि ये बहुत टाइम के बाद मैं अभी वीडियो एडिट कर रहा हूँ। और दिस वॉज माई कम्प्लीट जर्नी फ्रॉम इंडिया टू हांगकॉन्ग एंड फ्रॉम हांगकॉन्ग टू सिडनी एंड माई 11 hours एक्सपीरियंस एट दी हांगकॉन्ग इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि दिस वॉज शूटेड बाई आई थिंक इन द एंड ऑफ ऑगस्ट, सो वो टाइम पे कोविड का सब रेस्ट्रिक्शंस रहेगा हांगकॉन्ग एयरपोर्ट में। सो दिस वॉज माई पॉइंट ऑफ व्यू एट द टाइम आई अराइव्ड इन हांगकॉन्ग एयरपोर्ट, पर अभी का कंडीशन और सिचुएशन को उससे कंपेयर मत करना। दिस वॉज कम्प्लीटली माई एक्सपीरियंस एंड आई होप टू सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय बाय।